12 चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हम लोग आज रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो इस चैप्टर को पूरे लास्ट तक देखिएगा। इसमें जितना भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का कंसेप्ट है सारा एक वीडियो में, एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ अकॉर्डिंग टू द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स ए टोटली वेल बींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, फिजिकली, इमोशनली एंड बिहेवियरली एंड सोशली। रिप्रोडक्टिव हेल्थ हेल्थ मतलब होता है कि नॉट ओनली द ऑब्सेंस ऑफ डिजीज, कोई भी डिजीज का ऑब्सेंस होना नहीं, इसमें आप मतलब रिप्रोडक्शन के जितने भी सारे एस्पेक्ट हैं आप उसमें अच्छे से मतलब फुलफिल हो, जैसे कि फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली एंड सोशली। मतलब इमोशनली हो गया, जैसे कि ब्रेन से आपके अंदर कुछ भी मतलब दुख नहीं हो, सैरो इस टाइप का कुछ नहीं हो। फिजिकली मतलब बॉडी हेल्थ हमारा सही हो, बिहेवियर नॉर्मल हो, और सोशली हम किसी भी पर्सन से अच्छे से बात कर सकें, किसी भी सोशल मतलब समाज में हम अच्छे से रह सकें, तो इसको हम लोग सोशली बोलते हैं। तो यह रिप्रोडक्टिव हेल्थ जिसमें चारों चीज़ को देखा जाता है, फिजिकली, इमोशनल एंड बिहेवियर एंड सोशल। तो अब हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ का हम लोग डिफिनेशन समझ गए, तो अब इसके और आगे जानते हैं। तो फर्स्ट टाइम इन इंडिया फैमिली प्लानिंग इनिशिएटेड इन 1951। इंडिया में सबसे पहले मतलब इसका फैमिली प्लानिंग का इनिशिएशन हुआ, मतलब फैमिली प्लानिंग इनिशिएशन ही 1951 में सबसे पहले इंडिया में ही फैमिली प्लानिंग स्टार्ट हुआ था। RCH का फुल फॉर्म रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, STDs, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। एंड यहाँ पर एक सहेली है, तो इसके बारे में हम लोग और अच्छे से आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर एक नोट के फॉर्म में दिया हुआ है, सहेली, ए न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल वाज डेवलप बाई साइंटिस्ट एट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI इन लखनऊ, इंडिया। सहेली एक ओरल कंट्रासेप्टिव पिल है जो कि फीमेल के द्वारा यूज किया जाता है। इसको साइंटिस्ट ने CDRI जो कि लखनऊ में प्रेजेंट है इंडिया में, वहाँ पर सहेली को डेवलप किया गया है। और हम लोग अभी और फैक्ट के बारे में जानते हैं। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन विच हैज अराउंड 2 बिलियन इन 1900 एंड रॉकेटेड टू अबाउट 6 बिलियन बाई 2000 एंड 1900 में, मतलब दो बिलियन पॉपुलेशन था, और 100 साल में ही यहाँ पर 6 बिलियन पॉपुलेशन हो गया एंड 7.2 बिलियन इन 2011 में इसका पॉपुलेशन काफ़ी ही हाई बढ़ करके हो गया 7.2 बिलियन इन 2011 इन इंडिया। ये वर्ल्ड का बात हो रहा था, अब इंडिया का देखते हैं। इन इंडिया अप्रॉक्सीमेटली 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, हमारा जब इंडिपेंडेंस हुआ था 1947 में, उस टाइम हमारे देश का पॉपुलेशन था 350 मिलियन एंड रीच क्लोज टू द बिलियन मार्क बाय 2000 एंड क्रॉस 1.2 बिलियन इन मई 2011 में एल 1 मिलियन के बिलियन 1 बिलियन के अप्रॉक्स में था एंड अभी 1.2 बिलियन 2011 के जनगणना के अनुसार 1.2 बिलियन है मई 2011 तक। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस रिपोर्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%। एग्जांपल मतलब अकॉर्डिंग टू 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके अकॉर्डिंग 2% से लेस है 20, मतलब 1000 में से मतलब 20 पर ईयर ग्रोथ रेट हो रहा है। से स्टेट्यूटरी राइजिंग ऑफ मैरिजेबल एज फॉर द फीमेल एज, मतलब शादी करने के लिए एज इसमें दिया हुआ है फीमेल का 18 साल एंड मेल के लिए 21 साल होना जरूरी है। अब हम लोग पढ़ेंगे कंट्रासेप्टिव मेथड विच प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। कंट्रासेप्टिव मेथड हम लोग उसे कहते हैं जो कि अनवांटेड प्रेगनेंसी होने से हम लोगों को बचाता है। तो कंट्रासेप्टिव मेथड मेनी टाइप से हो गए, मतलब नेचुरल मेथड्स हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे IUDs, इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस एंड
बैरियर मेथड पढ़ेंगे एंड ओरल पिल्स इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नेचुरल मेथड देखते हैं। तो नेचुरल मेथड में हो गया पीरियड एब्सेंटिस, पीरियडिक एब्सटेंसिस, डे 10 to 70 ऑफ द मेंसुरेशन साइकिल, चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब नेचुरल मेथड में हो गया कि जो मेंसुरेशन स्टार्ट होता है तो उसके 14 दिन पर ओव्यूलेशन होता है एंड एग का लाइफ साइकिल है 2 days 48 hours। तो हम लोग उस टाइम में मतलब 14 से 3 दिन इधर और 3 दिन उसके बाद हम लोग अगर उस टाइम में हम लोग सेक्स को मतलब उस ड्यूरेशन में अगर हम लोग नहीं करेंगे तो हम लोग प्रेगनेंसी का चांस उस टाइम बहुत ज़्यादा रहता है, तो हम लोग बच सकते हैं मतलब उसको अवॉइड करके। एंड सेकेंड है विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्शन। मतलब विड्रॉल मतलब कि मेल पार्टनर विड्रॉल हिज पेनिस फ्रॉम द वेजिना जस्ट बिफोर इजुकुलेशन सो एज टू अवॉइड इंसेमिनेशन। मतलब जब मेल पार्टनर है वो अपने पेनिस को विड्रॉल जब निकाल लेता है मतलब वेजिना से बिफोर इजुकुलेशन टू अवॉइड इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन होने से पहले, तो हम लोग उस केस में भी प्रेगनेंसी होने से बच सकते हैं। एंड थर्ड हो गया लैक्टेशनल एमिनोरिया, लैक्टेशनल एमिनोरिया एब्सेंस ऑफ मेंसुरेशन, एज लॉन्ग एज द मदर ब्रेस्ट फीडिंग द चाइल्ड फुली चांस ऑफ कंसेप्शंस आर ऑलमोस्ट नील इफेक्टिव ओनली अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ द 6 months फॉलोइंग पाचुरेशन। तो लैक्टेशनल एमिनोरिया में क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी हुआ उसके बाद जस्ट बेबी जब डिलीवरी हुआ, बेबी जब मतलब बाहर आया तो उसके बाद न ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए, जिससे कि मतलब 6 months ब्रेस्ट फीडिंग से हमारा प्रोलैक्टिन का अमाउंट काफ़ी हाई रहता है उस टाइम में, जिसकी वजह से मेंसुरेशन साइकिल स्टॉप रहता है। लेकिन इसमें दिया हुआ है कि इफेक्टिव ओनली अप टू 6 months, ये 6 months तक ही इफेक्टिव है। तो ये हम लोग नेचुरल मेथड पढ़ लिए। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में देखते हैं, इन बैरियर मेथड ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीट विथ द हेल्प ऑफ बैरियर। बैरियर मेथड का एग्जांपल हो गया कॉन्डम। मतलब बैरियर मेथड में हम लोग स्पर्म एंड ओवम को फिजिकली दोनों को मिलने से हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इसका एग्जांपल हो गया कॉन्डम। तो सबसे पहले दिया कि निरोध, निरोध इज द पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम फॉर मेल, मेल के लिए निरोध सबसे पॉपुलर ब्रांड है कॉन्डम में। एंड यहाँ पर सेकंड देखेंगे डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स आर आल्सो बैरियर मेड अप ऑफ रबर इंसर्टेड इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। यहाँ पर डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स दिया हुआ है बैरियर मेथड फीमेल्स के लिए, हम लोग इसको फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इंसर्ट करते हैं। यहाँ पर फिर इसके नीचे नोट, कॉन्डम नोट में दिया हुआ कॉन्डम डिस्पोजेबल होता है एंड रीयूजेबल होता है। एडिशनल बेनिफिट्स ऑफ कॉन्डम, दे आल्सो प्रिवेंट फ्रॉम STI सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एंड एड्स। जो एडिशनल इसका बेनिफिट है कॉन्डम का कि वो हमें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से और डिजीज से बचाता है जैसे कि एड्स। एंड स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेली एंड फोम्स आर यूजुअली यूज्ड अलॉन्ग विथ दिस बैरियर टू इंक्रीज देयर कंट्रासेप्टिव इफेक्ट। हम लोग बैरियर मेथड के साथ में स्पर्मिसाइडल्स क्रीम जेली का भी यूज करते हैं, जिससे कि हमारा मतलब जो प्रेगनेंसी का चांस है वो और ज़्यादा कम हो जाता है और ये काफ़ी इफेक्टिव बनाता है कंट्रासेप्टिव को। नेक्स्ट कंट्रासेप्टिव मेथड हो गया इंट्रायूटराइन डिवाइसेस। इंट्रायूटराइन डिवाइसेस ये सबसे ज़्यादा ही पॉपुलर है इंडिया में, मतलब इंट्रायूटराइन डिवाइसेस। तो इंट्रायूटराइन डिवाइसेस को मतलब यहाँ पर डिवाइडेड किया गया है 3 ग्रुप में, नॉन मेडिकेटेड आयोडीज, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज एंड हार्मोनल रिलीजिंग आयोडीज। फर्स्ट नॉन मेडिकेटेड आयोडीज का एग्जाम्पल हो गया लिपोज लूप, जो कि फाइगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म में हेल्प करता है। एंड कॉपर रिलीजिंग हार्मोन, इसमें एग्जाम्पल हो गया कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोडेड 375। तो ये क्या करता है, सप्रेस स्पर्म मोएटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म।
स्पर्म का मोर्टिलिटी को घटाता है एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो स्पर्म का है उसको कम करता है। एंड थर्ड हो गया हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, जैसे कि LH20 प्रोजेस्टेरोन, तो ये दोनों जो है वो हार्मोन रिलीजिंग है। तो हार्मोन रिलीजिंग का क्या फंक्शन होता है कि मेक द यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म। जो स्पर्म है उसको मतलब द सर्विक्स हॉस्टाइल, हॉस्टाइल मतलब कि उसको किल करना एंड अनसुटेबल कर देता है यूटेरस को, जिससे कि इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। तो हम लोग और इसके बारे में अब देखते हैं कि आय तो यही इतना मतलब है इसमें। इंट्रायूटराइन डिवाइसेस में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ये हो गया फर्स्ट, हो गया नेचुरल मेथड, सेकंड हो गया बैरियर मेथड, थर्ड हो गया इंट्रायूटराइन डिवाइस। तीन कंट्रासेप्टिव मेथड देख चुके हैं, नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड एंड थर्ड हम लोग आईयू इंट्रायूटराइन डिवाइसेस के बारे में पढ़ लिए हैं। तो हम लोग फोर्थ पढ़ेंगे ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ स्मॉल डोजेज ऑफ आइदर प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इन कंट्रासेप्टिव मेथड यूज बाई फीमेल। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन फीमेल के द्वारा यूज किया जाता है, इसमें प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। दे आर यूज इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड हेंस आर प्रोबेबली कॉल्ड द पिल्स। ये टैबलेट के फॉर्म में भी यूज होता है, इसे हम लोग पिल्स कहते हैं। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर ए पीरियड ऑफ 21 डे, स्टार्टिंग प्रेफरेबल विद इन द 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। पिल्स का यूज हम लोग स्टार्टिंग का जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का होता है 1 से 5 डेज, उसी के बीच में हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड 21 डेज तक हम लोग इसका यूज करते हैं। पिल्स दे आर इनहैबिट पिल्स, पिल्स का वर्क क्या है, क्या कैसे वर्क करता है पिल्स? तो पिल्स दे इनहैबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट एंड रिटार्ड इंट्रिंग ऑफ स्पर्म। जो पिल्स है वो ओव्यूलेशन होने से इनहिबिट करता है, रोकता है एंड इम्प्लांटेशन में भी रोकता है एंड सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट रिटार्ड इंट्रिंग ऑफ स्पर्म। स्पर्म का एंट्री को रिटार्ड करता है, घटाता है। एंड एक पिल्स का नाम दिया हुआ यहाँ पर सहेली। सहेली द न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव्स फॉर द फीमेल कंटेन ए नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन। इट इज ए वंस ए वीक पिल विथ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू। सहेली एक ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है जो कि नॉन स्टेरॉयडल है। मोस्ट ऑफ द जो पिल्स होते हैं तो वो स्टेरॉयडल होते हैं, बट सहेली नॉन स्टेरॉयडल पिल्स है और इसका साइड इफेक्ट बहुत ही कम है एंड हाईली कंट्रासेप्टिव वैल्यू है सहेली का। वंस अ वीक हम लोग इसे सप्ताह में एक दिन यूज कर सकते हैं। एंड ये और आगे हम लोग जानते हैं ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो प्रोजेस्टेरोन एलोन और इन द कॉम्बिनेशन विथ एस्ट्रोजन कैन ऑल्सो बी यूज बाई द फीमेल एज इंजेक्शन और इम्प्लांट अंडर द स्किन। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू द पिल्स एंड देयर इफेक्टिव पीरियड आर मच लॉन्गर। या तो प्रोजेस्टेरोन या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को मतलब फीमेल के द्वारा एज इंजेक्शंस, इंजेक्शन से भी हम लोग ले सकते हैं, या इम्प्लांट अंडर द स्किन, स्किन के अंदर भी हम लोग इसको इम्प्लांट कर सकते हैं। तो ये सेम वर्क करेगा जैसे कि पिल्स हम लोग ओरल से लेते हैं, मुंह से लेते हैं, सेम उसी के टाइप से वर्क करेगा, बट देयर इफेक्टिव पीरियड आर मच लॉन्गर। लेकिन इसका जो इफेक्टिवनेस पीरियड है तो वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोस्ट्रोजन और पोस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और आईओडीज विद इन द 72 आवर ऑफ क्वाइटस बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव एज इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव। अगर हम लोग विद इन 72 आवर हम लोग अगर कंट्रासेप्टिव पिल्स का यूज करते हैं तो एज इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स में हम लोग
यूज करते हैं, या हम लोग इसका अगर 72 आवर के विद इन 72 आवर अगला हम लोग कंट्रासेप्टिव पिल्स का यूज करते हैं आफ्टर क्वाइटस, तो इसका इफेक्टिवनेस और वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाता है। सर्जिकल मेथड एल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन, इसमें टू टाइप के आते हैं, ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी। इन फीमेल फीमेल में ट्यूबेक्टोमी होता है एंड वैसेक्टोमी इन केस ऑफ मेल। तो ट्यूबेक्टोमी में ए स्मॉल पार्ट ऑफ द फिलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइट अप थ्रू ए स्मॉल इंसेक्शन इन द एब्डोमेन और थ्रू वैजिना। तो जो ट्यूबेक्टोमी है वो फीमेल में होता है, तो इसमें हम लोग फिलोपियन ट्यूब को रिमूव, स्मॉल पार्ट ऑफ ए फिलोपियन ट्यूब को हम लोग इसमें रिमूव कर देते हैं और उसे हम लोग बांध देते हैं टाइट अप थ्रू ए स्मॉल, हम लोग या तो एब्डोमेन में एक छोटा सा कट लगाकर या वैजिना के थ्रू हम लोग फिलोपियन ट्यूब में एक स्मॉल इंसेक्शन देते हैं, थोड़ा सा कट करते हैं एब्डोमेन या वैजिना को, फिर फिलोपियन ट्यूब को हम लोग रिमूव करते हैं स्मॉल पार्ट को, फिर हम लोग उसको टाइट अप मीन्स बांध देते हैं, तो इसको हम लोग ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। ये फीमेल में होता है ट्यूबेक्टोमी एंड फिलोपियन ट्यूब इसमें स्मॉल पार्ट को इसमें रिमूव करते हैं। इन केस ऑफ वैसेक्टोमी इन मेल, वैसेक्टोमी मेल में किया जाता है, ए स्मॉल पार्ट ऑफ द फासा डिफरेंस इज रिमूव और टाइट अप थ्रू ए स्मॉल इंसेक्शन ऑन द स्कॉटम। स्कॉटम में हम लोग एक स्मॉल इंसेक्शन लगाते हैं, कट लगाते हैं और फिर उसी के थ्रू हम लोग भाषा डिफरेंस का स्मॉल पार्ट को रिमूव करते हैं और फिर उसे हम लोग टाइट अप करके बांध देते हैं, तो ये ट्यूबेक्टोमी हो गया एंड वैसेक्टोमी एक स्टेरिलाइजेशन मेथड है, सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन मेथड है। ट्यूबेक्टोमी फीमेल में होगा, वैसेक्टोमी मेल में होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP शॉर्ट फॉर्म में। इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP और इंड्यूस्ड अबॉर्शन। बेबी को मतलब डेवलप होने से पहले ही अगर हम लोग इंटेंशनली या वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को करते हैं, बेबी को फुल डेवलप होने से पहले, या इसे हम लोग कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इसे इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी हम लोग कहते हैं। नियरली 45 to 50 million MTP आर परफॉर्म्ड इन ए ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, विच अकाउंट टू 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव प्रेगनेंसी इन द ईयर। जितना भी प्रेगनेंसी कंसीव होता है उसका 1/5 अमाउंट में यहाँ पर 45 to 50 million MTP मतलब अबॉर्शंस होता है थ्रू द वर्ल्ड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड MTP 1971। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब MTP को लीगलाइज कर दिया 1971 में, विथ सम स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड इट्स मिसयूज, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ में, क्योंकि इसका मिसयूज ना हो, क्योंकि MTP से बहुत ही ज़्यादा फीमेल फेटिसाइड्स का केस देखा जाता है, इसलिए इसको कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ में ही लीगलाइज किया गया है इंडिया में 1971 से। सच रिस्ट्रिक्शंस आर आल्सो मोर इम्पोर्टेंट टू चेक इनडिस्क्रिमिनेशन एंड इलीगल फीमेल फेटिसाइड विच इज रिपोर्टेड हाई इन इंडिया। एंड यहाँ पर MTP आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर अप टू 12 week ऑफ प्रेगनेंसी। जो MTP है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ही ज़्यादा सेफ रहता है 12 week तक, और सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस आर मच हायर रिस्कियर्स। जो सेकेंड मंथ का जो प्रेगनेंसी है तो इसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्की रहता है। टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस और वेनेरियल्स डिजीजेज और रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस। तो इसमें फर्स्ट हो गया गोनोरिया, नेसेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया के द्वारा होता है। सेकंड हो गया साइफिल्स, ट्रेपोनिमा प्लेडियम बैक्टीरिया के द्वारा होता है। थर्ड हो गया जेनेटियल हार्पेक्स, हार्पेक्स सिंप्लेक्स वायरस के द्वारा होता है। फोर्थ हो गया क्लोमाइडो डियासिस, क्लोमाइडिया
ट्राइकोमाइटिस एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। एंड फिफ्थ जेनिटल वॉर्ट ह्यूमन पेपिलियोमा वायरस, वायरस के द्वारा होता है जेनिटल वॉर्ट। एंड ट्राइकोमोनासिस ट्राइकोमोनास वेजिनालिस प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। एंड हेपेटाइटिस भी वायरस के द्वारा होता है। एंड ए सीरियस लीवर इन्फेक्शन, इसमें हेपेटाइटिस बी में लीवर का इन्फेक्शन हो जाता है। एंड नेक्स्ट एड्स, एड्स एचआईवी वायरस के द्वारा होता है। तो यहाँ पर जो एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी जेनिटल हार्पेक एंड एचआईवी इन्फेक्शंस, अदर डिजीजेज आर कम्प्लीटली क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्लियर एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। यहाँ पर हेपेटाइटिस बी जेनिटल हार्पेक एंड एचआईवी इन्फेक्शंस इन्फेक्शंस ये तीनों को छोड़ करके जितने भी डिजीजेज हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस और डिजीजेज, ये कम्प्लीटली क्यूरेबल है, मतलब सही हो सकता है अगर इसका हम लोग अर्लियर स्टेज में पता चल जाता है तो। एंड नेक्स्ट हो गया, इन्फेक्शंस लाइक हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड बाई शेयरिंग ऑफ इंजेक्शंस, नीडल्स, सिरिंज्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ईटीसी, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड मदर टू फीटस। एंड एच आई वी एंड हेपेटाइटिस बी इंजेक्शंस, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक पर्सन से किसी दूसरे पर्सन में और हम लोग ब्लड को ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो इसके द्वारा भी हेपेटाइटिस बी एच आई वी स्प्रेड होता है, फैलता है, या फिर मर्डर टू फीटस के द्वारा भी एच आई वी हेपेटाइटिस बी जा सकता है। यहाँ पर एक हम लोग और छोटा सा टॉपिक इसमें ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ना है, एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस, इन एमनियोसेंटेसिस सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूड ऑफ द डेवलपिंग फीटस इज टेकन टू एनालाइज द फीटल सेल्स एंड डिजॉल्व सब्सटेंस। दिस प्रोसीड्यूर इज यूज टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिजॉर्डर सच एज डाउन सिंड्रोम, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ईटीसी, डिटरमाइन द सर्वाइवेबिलिटी ऑफ द फीटस। एमनियोसेंटेसिस में हम लोग एमनियोटिक फ्लूड को डेवलपिंग फीटस से हम लोग एमनियोटिक फ्लूड को लेते हैं और एम्ब्रियोनिक सेल्स एंड डिजॉल्व द सब्सटेंस, इसको हम लोग मतलब हम लोग एमनियोसेंटेसिस में एमनियोटिक फ्लूड के हेल्प से हम लोग किसी भी डिजीजे जेनेटिक डिजॉर्डर का पता कर सकते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, हेमोफीलिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया एंड ईटीसी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, हम लोग एमनियोसेंटेसिस को नहीं कर सकते हैं, मतलब ये लीगल है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। टू लीगल चेक इंक्रीज मैनेक ऑफ फीमेल फेटिसाइड्स, हम लोग इसको लीगली चेक कर सकते हैं फीमेल्स को, मतलब सीरियस केस में हम लोग एमनियोसेंटेसिस का यूज कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इसका यूज नहीं करते। देखा इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स कोहैबिटेशन, बिना मतलब कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स के होते हुए भी अगर कोई चिल्ड्रेन प्रोड्यूस करने में अनेबल है, अयोग है, तो उसे हम लोग इनफर्टिलिटी कहते हैं। द कपल कुड बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रेन थ्रू सर्टेन स्पेशल टेक्निक कॉमनली नाउन एज एसेटेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART। ART एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम कपल्स को, कपल्स मतलब कि जो मेल फीमेल जो हैं, तो उन्हें हम लोग बच्चे उसके थ्रू ART के थ्रू, मतलब कपल कुड बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रेन थ्रू सर्टेन स्पेशल टेक्निक कॉमनली नाउन एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART। ART के थ्रू हम किसी भी इनफर्टाइल कपल को हम इस टेक्निक से उन्हें चिल्ड्रेन दे सकते हैं, मतलब तो इन टू टाइप के होता है ART, क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, फर्स्ट हो गया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड सेकंड है इन विवो फर्टिलाइजेशन। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी
इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन द बॉडी। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो कि फर्टिलाइजेशन बॉडी के आउटसाइड होता है, जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर सेम इन्वायरमेंट हो सेम उसी वे में। एंड सेकेंड है इन वीवो फर्टिलाइजेशन, तो इन वीवो फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ गैमेट विद इन द फीमेल, फीमेल बॉडी में जो गैमेट का फ्यूजन होता है तो उसे हम लोग इन वीवो फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। तो टू टाइप का यहाँ पर एआरटी का डिवीजन हुआ, फर्टिलाइजेशन यहाँ पर टू टाइप का हम लोग रीड किए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अब यहाँ पर इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन वीवो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, जिसमें बॉडी के आउटसाइड में फर्टिलाइजेशन होता है उसे हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, जिसमें फर्टिलाइजेशन बॉडी के आउटसाइड में होता है तो उसे हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इसमें फर्स्ट हो गया एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, टेस्ट ट्यूब बेबी, यहाँ पर एम्ब्रियो ट्रांसफर में आ गया टेस्ट ट्यूब बेबी। फीमेल से हम, फीमेल डोनर से हम लोग एग लेते हैं एंड मेल डोनर से स्पर्म। इंड्यूस टू फॉर्म ए जायगोट अंडर सिमिलर कंडीशन इन द लैबोरेटरी। टेस्ट ट्यूब बेबी या एम्ब्रियो ट्रांसफर में हम लोग सबसे पहले फीमेल से एग लेंगे, मेल से स्पर्म, और उसको टेस्ट ट्यूब में लैबोरेटरी में सिमिलर कंडीशन में पहले जायगोट का फॉर्मेशन होगा, देन आफ्टर हम लोग फीमेल बॉडी में उसको इंसर्ट कर देंगे। ये हो गया एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। सेकंड हो गया जायगोट इंट्राफिलेपियन ट्रांसफर जिफ्ट, JIFT, इसको हम लोग बोलते हैं। जायगोट और अर्लियर एम्ब्रियो विथ अप टू 8 ब्लास्टोमा ट्रांसफर इनटू फिलेपियन ट्यूब। जायगोट को हम लोग या और अर्लियर एम्ब्रियो को जब 8 सेल स्टेज रहेगा तो उसे हम लोग फिलेपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट इंट्रा फिलेपियन ट्रांसफ़र JIFT। एंड थर्ड हो गया इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र IUT। एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमर, अगर 8 रहेगा तो वो JIFT होगा और 8 से ज़्यादा होगा तो IUT। एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स इन टू यूटेरस टू कम्प्लीट फर्दर डेवलपमेंट। 8 ब्लास्टोमर से ज़्यादा या फिर एम्ब्रियो हो जाएगा तो हम लोग उसे यूटेरस में इम्प्लांट कर देंगे, यूटेरस में इंसर्ट कर देंगे फीमेल बॉडी में। तो IUT, यू से हो गया यूटेराइन, तो यहाँ पर यूटेरस हो जाता है। तो यूटेरस में हम लोग मोर देन 8 इंटू यूटेरस में डाल देंगे, जिससे कि आगे का डेवलपमेंट होगा। एंड फोर्थ हो गया इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI। इन लैबोरेटरी स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इन टू द ओवम, जो स्पर्म है वो ओवम एक में डायरेक्ट ही इंजेक्टेड कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ सिरिंज। तो उससे हम लोग ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस भी कहते हैं। ये हो गया फोर, मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन वीवो फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन ऑफ द गैमेट विद इन द फीमेल, फीमेल के अंडर में जो फर्टिलाइजेशन होता है उसे हम लोग इन वीवो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्स्ट हो गया गैमेट इंट्रा फिलेपियन ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर इन टू द फिलेपियन ट्यूब। हम लोग किसी भी ओवम, मतलब कि एग को किसी भी फीमेल से, डोनर से लेकर के फिलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं JIFT, गैमेट इंट्रा फिलेपियन ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर, ओवम का ट्रांसफ़र करते हैं फिलेपियन ट्यूब में तो उसे हम लोग JIFT बोलते हैं। एंड सेकेंड टेक्निक हो गया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इनफर्टिलिटी केसेस आइदर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेटेड द फीमेल और ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट इन द इजेक्यूलेट्स कुड बी करेक्टेड बाई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा हम लोग अगर किसी में इनएबिलिटी है मेल पार्टनर में इंसेमिनेशन, मतलब उसमें स्पर्म की, मतलब वो फर्टिलाइजेशन में नहीं है या फिर उसका स्पर्म लो है, तो स्पर्म लो होने के कारण जो प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा हम लोग इसे सही कर सकते हैं। तो और इसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन।
आई इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन ए टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। IUI एक एग्जाम्पल हो गया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का। तो इन दिस टेक्निक द सीमेन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और ए हेल्दी डोनर इज आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस आइदर इन टू द वेजिना और इन टू द यूटेरस। इस टेक्निक के द्वारा या तो हम वेजिना में या यूटेरस में किसी भी उसके हस्बैंड से या फिर किसी भी हेल्दी स्पर्म हेल्दी पर्सन से हम लोग स्पर्म को लेकर के यूटेरस या वेजिना में हम लोग इंसर्ट कर देते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं IUI या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का एक टाइप हो गया। इसी के साथ हम लोग का रिप्रोडक्शन हेल्थ रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।